और अभी हम दाव देंगे भरपूर तालियों में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मोटिवेसिटी बिलाल गुल साहब से दरख्वास्त है कि सियालकोट मोटिवेसिटी के सफर को हम सब के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह सुभान व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम इस तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं सियालकोट में। इससे पहले कि मैं सियालकोट मोटरवे सिटी की बात करूँ, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट रियल इस्टेट सेक्टर एज अ होल। अगर बात करें रियल इस्टेट सेक्टर दुनिया में, तो दुनिया में रियल इस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है किसी भी इकोनॉमी की अपलिफ्टिंग में। इसके पीछे द ओनली सोली रीज़न है कि अगर रियल इस्टेट सेक्टर एक अकेली इंडस्ट्री नहीं है, इसके साथ तकरीबन 72 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर एक रियल इस्टेट सेक्टर ग्रो करे तो देर आर 72 मोर इंडस्ट्रीज़ जो कि साथ में ही अपलिफ्ट होती हैं, जिससे नॉट ओनली जॉब क्रिएशन होती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी की भी अपलिफ्टिंग होती है। नाउ कमिंग टू द रियल इस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स रियल इस्टेट सेक्टर ने एक बहुत बड़ा बूम देखा है ओविंग टू द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराई, और उसका भी सोली पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक टर्मोइल, थोड़ा इकोनॉमिक इशूज़ हैं, और उस इशूज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे रियल इस्टेट सेक्टर बूम हो और जो इसके साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी अपलिफ्टिंग आए। इससे नॉट ओनली वी हैव कर्व दी जो जॉब का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हमने उसको भी कर्व किया, बल्कि उसके साथ साथ वेल्थ क्रिएशन हुई बहुत सारे, और बाकी जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारी इधर जो है ना पाकिस्तान में अट्रैक्ट हुई। नॉट टॉकिंग अबाउट सियालकोट इकॉनमी, देखिए मैं रियल इस्टेट सेक्टर सियालकोट की रियल इस्टेट सेक्टर के पहले बात करने से पहले थोड़ा सा सियालकोट की इकॉनमी को अगर देखा जाए, सियालकोट की इकॉनमी ने पाकिस्तान की इकॉनमी एक बहुत मेजर किरदार अदा करता है बाय एक्सपोर्टिंग मेनी गुड्स टू इंटरनेशनल कंट्रीज़ लाइक यूरोप में इनका बहुत ज़्यादा सर्जिकल गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं लेदर गुड्स हैं एंड स्पोर्ट्स गुड्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इवन दो कि ये इतना बड़ा पार्ट कर रही है पाकिस्तान की इकॉनमी में, अगर ये करंट टर्मोइल में अगर हम सिर्फ सियालकोट को इसमें से बाहर कर दें हमारी इकॉनमी में से, तो अभी जो आज करंट स्टैंडिंग है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इससे भी खुदा ना खास्ता इससे भी नीचे होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू सियालकोट के पाकिस्तान की इकॉनमी उतनी बुरी नहीं है इस वक्त, उससे बहुत बेहतर है। लेकिन इसके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के बावजूद रियल इस्टेट सेक्टर ऑफ सियालकोट इसको वो प्रोडक्ट्स नहीं मिले जो ये डिज़र्व करते हैं, इनको वो लिविंग नहीं मिली जो ये डिज़र्व करते हैं, इनके इन्वेस्टर को इन्हीं के शहर में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिसमें वो पैसे कमा सके। अल्हम्दुलिल्लाह 5G ग्रुप एंड मास डेवलपर्स ये सियालकोट की लिविंग को रीडिफाइन करेंगे, सियालकोट की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है उसको रीडिफाइन करेंगे, एंड इंशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। अब आगे मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ कि सियालकोट किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप इन्विजन करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी डेवलपमेंट का, कि आप कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से सोसाइटी को डेवलप करते हैं, क्योंकि वादे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में लोग डिलीवर नहीं करते, डिले टैक्टिक्स खेलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा प्री लॉन्च है, और अगर आप लोग साइट विज़िट करके आए हों तो आप लोगों को एक बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमारी मेन बुलेवार्ड कट चुकी है, स्ट्रीट्स बन चुकी हैं, हमारी स्ट्रीट लैम्प्स इरेक्टेड हैं, एंड इंशाल्लाह प्रीटी सून इंशाल्लाह हमारे ग्रुप चेयरमैन इंशाल्लाह वो पोजेशंस भी अनाउंस करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सियालकोट मोटरवे सिटी की डिवेलपमेंट के बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हम आगे जाके अनवेल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा फैसिलिटीज़ का बता दूं कि हम जो बेसिकली सियालकोट मोटरवे सिटी है इट्स गोइंग टू एड्रेस ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ सियालकोट पीपल, जहाँ पे इनकी सफा साफ शफाफ पानी की बात करें तो इंशाल्लाह वी आर गिविंग देम आरओ प्लांट, अगर गैस की बात करें तो वी विल प्रोवाइड देम अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट हम अपना प्लांट लगाएंगे जो कि हम LNG डायरेक्टली घरों को प्रोवाइड करेंगे, और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा बाकी जो है ना तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप ऑफ द नॉच होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।